कैसे आप लोग लोग चट्टो रट्टा 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 लोग लोग चट्टो होप से लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे आप ग्रेडियंट बना सकते हैं बीएससी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि थैंक यू, आपने ज्ञान गेमिंग का थंबनेल ट्यूटोरियल वाले वीडियो में 1K व्यूज क्रॉस कर दिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट आवर टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको आ जाना है पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब का डाउनलोड एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो मैं पहले कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो मैं दो टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो मैं कोई भी फॉन्ट भी चूज़ कर लेता हूँ। आप अपनी तरह फॉन्ट चूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट भी अपनी तरह ले सकते हो, तो ले लो और मैं भी ले लेता हूँ। मैंने अपना टेक्स्ट ले लिया, अभी हम इसे ट्रांसपेरेंट करेंगे, देन आप इसे सेव कर लेना गैलरी में। सो गाइस अभी आपको आ जाना है पीएससी में। आने के बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। सो जो भी आपका साइज है आप ले सकते हो, मैं आपको थंबनेल के साइज में आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ले लेना है अपना साइज, उसके बाद जो है आपको जो भी बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले जाता हूँ। देन जो है आपको क्या करना है, टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, तो मैं अभी टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो टेक्स्ट को ले आने के बाद आपको क्या करना है, तो एक्चुअली मुझे जो है नहीं चाहिए, मतलब एक ही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सब्सक्राइब को रहने देता हूँ और लाइक को हटा देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, सिलेक्ट पिक्सल को आपको क्या करना है, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ऑलरेडी आपको कुछ आपको ग्रेडियंट बना के दे देते हैं पहले से, तो वैसे तो कोई यूज़ नहीं करता, तो आप बना लो। तो एक पहला जो ग्रेडियंट होता है कुछ इस टाइप का होता है कि ऊपर में जो है येलो कलर रहता है और नीचे थोड़ा डार्क कलर रहता है। तो आपको देख सकते हो एरो में, आप देख सकते हो इस मतलब यहाँ पर जो आप कलर चूज़ करोगे वो ऊपर की साइड रहेगा, और यहाँ पर जो आप कलर चूज़ करोगे वो नीचे की साइड रहेगा। ओके, सो यहाँ पर 3 लाइन बन जाता है। तो अगर आप उस पर क्लिक करके जो है रिवर्स साइड के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो फिर जो है उल्टा हो जाता है, मतलब इस में जो कलर रहता है वो ऊपर की साइड चला जाता है और इस तरह में जो कलर रहता है वो नीचे की साइड चला जाता है, मतलब ऊपर में जो कलर रहता है वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला कलर ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक ग्रेडियंट। और जो नेक्स्ट ग्रेडियंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये भी जो है उल्टा है इसका, मतलब मैंने कहा था कि ऊपर में जो है हल्का है और नीचे थोड़ा डार्क है, और यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर डार्क है और नीचे हल्का है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ग्रेडियंट बनाया था रेड कलर का, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जो है डार्क था और नीचे मतलब लाइट था। और एक जो ग्रेडियंट होता है तो इस टाइप का, जहाँ पर ऊपर जो है डार्क होता है, नीचे भी डार्क होता है, बस बीच में जो है लाइट कलर रहता है। तो ऐसा भी आप ग्रेडियंट बना सकते हो, ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मतलब आपको जो है 3 लाइन पर क्लिक करना है, वहाँ पर रेडियल टाइप का ऑप्शन रहता है जो कि 2nd ऑप्शन है, तो वो अगर आप चूज़ करते हो तो इस टाइप का कुछ ग्रेडियंट आपको बन जाता है। तो ऐसे करके आप भी जो है ग्रेडियंट बना सकते हो, आपका जो मर्जी आप बना सकते हो, और अपने थंबनेल बैनर लोगो जहाँ पर भी आपकी मर्जी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, ऐसे करके आप भी ग्रेडियंट बना सकते हो और अपने लोगो थंबनेल बैनर एट्सेट्रा पे आप भी यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट पे ग्रेडियंट। और हाँ गाइस, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर जरूर लाइक करना, और किसी को भी अगर पेड वर्क करना है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मैं जो आपको मतलब बना के दूंगा जो भी आपको बनाना है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, मिलता और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।